भोपाल जेल के डीआईजी उमेश गांधी के घर और कुछ ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम छापे मार रही है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में ये छापेमारी हो रही है। प्रॉपर्टी निवेश के कई कागजात मिले हैं। डीआईजी के भाई के घर सागर में भी छापे मारे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत का रुख करते हैं। ब्रिजेश, अब तक की छापेमारी में क्या हाथ लगा है लोकायुक्त की टीम के? पल्लवी, ये जेल के डीआईजी हैं उमेश गांधी, जो भोपाल में रहते हैं, उनके भोपाल स्थित घर पे, और उनका जो भाई है जो सागर के बंडा में रहता है, उसके घर पे सुबह से लोकायुक्त की छापेमारी की कार्यवाही जारी है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त के लोगों का कहना है कि आप लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि भ्रष्टाचार से ये काफी कमाई कर रहे हैं। इसके बाद मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई है और आज सुबह सुबह इनके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। और अभी तक शुरुआती जानकारी में यही पता लगा है कि प्रॉपर्टी में काफी सारे निवेश के कागजात मिले हैं और LIC पॉलिसी में भी काफी जरूरत से ज्यादा निवेश के जो दस्तावेज मिले हैं। और पर मगर अभी जो लोकायुक्त के लोगों का कहना है कि बस शुरुआती जानकारी यही है और काफी बड़ी तादाद में निवेश के कागज हैं, इसलिए उसका जो आकलन करने में वक्त लग रहा है। थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में खुलासा हो जाएगा, मगर जो पूरी प्रॉपर्टी का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 1-2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ही बनती शुरुआत में दिख रही है, मगर अभी शुरुआती तफ्तीश हो रही है और तकरीबन 1 घंटे बाद और पूरा खुलासा हो जाएगा। मगर निश्चित ये बड़ा मामला है, ये बड़ी पोस्ट है डीआईजी जेल की, जिसके अधीन में बहुत सारे जेल के कर्मचारी होते हैं और इनके खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। आज लोकायुक्त पुलिस ने आज सुबह सुबह इनके घर पर छापा मारा है। ब्रिजेश राजपूत नजर बनाए हुए हैं भोपाल जेल के डीआईजी उमेश गांधी के घर और कुछ ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम छापे मार रही है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में छापेमारी की जा रही है। प्रॉपर्टी निवेश के कई कागजात मिले हैं। डीआईजी के भाई के घर सागर में भी छापेमारी जारी है।